एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया, इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जाकर के तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। मैं आप लोगों के बीच में